जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानसिक अभिरुचि। ये जो टॉपिक है ना, कुछ बच्चों का, कुछ हमारे भाई बहनों का बहुत ही कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है। बुक में पढ़ते हैं तो चीजें समझ नहीं आ पाती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी और 100% गारंटी, अगर आपका दिमाग इस क्लास में रहेगा तो ये टॉपिक आपको बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनहित याचिका। जनहित याचिका को जनहितवादकरण भी कहते हैं। जनहित याचिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको शॉर्टकट में PIL भी कहते हैं। ठीक है, जनहित याचिका क्या होती है पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। सामान्य जनता के हित में सामाजिक व्यक्ति के द्वारा दायर की जाती है जनहित याचिका। ये सामान्य जनता क्या होती है? ये किसी व्यक्तिगत या पर्सनल व्यक्ति के रूप में दायर नहीं की जाएगी, ये पर्सनल नहीं है, सामान्य जनता के हित में। सामान्य जनता बोले तो जैसे NGO हो गया है ना, NGO के हित में दायर कर सकते हैं हम रिट को, और वैश्याओं के हित के लिए ये रिट दायर की जा सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, सामान्य जनता के हित में, सामान्य जनता में NGO या वैश्या, समझा दिया मैंने आपको, के हित में सामाजिक व्यक्ति के द्वारा, ये सामाजिक व्यक्ति के द्वारा दर्ज की जाती है। अब ऐसा नहीं कि आपके घर का मामला है, आप चाहते हैं कि हम जनहित याचिका दर्ज करें, ऐसा नहीं होगा। पर्सनल मैटर यहां मायने नहीं करता, समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई संपत्ति का मामला है तो हम कर दें क्या, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। ये व्यक्तिगत वाद नहीं है, व्यक्तिगत वाद नहीं है ये। ठीक है, यह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध दायर नहीं किए जा सकते। ठीक, अब बात करेंगे कि ये कहां दायर किए जा सकते हैं, किस कोर्ट में और किस आर्टिकल के तहत दायर किए जाते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत हम जनहित याचिका को दर्ज कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत हम जनहित याचिका को दर्ज कर सकते हैं। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में राज्य के विरुद्ध की जानी चाहिए जनहित याचिका दर्ज। जैसे कैसे केंद्र सरकार के विरुद्ध कर सकते हैं जनहित याचिका दर्ज, संसद या राज्य सरकार या राज्यों के विधानमंडल, लोकल अथॉरिटीज क्या क्या होती है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, इन सब के तहत हम जनहित याचिका या इन सब के विरुद्ध हम जनहित याचिका दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो 5 तरह की रिट हैं जो कि हमें दी गई हैं, उन रिटों को थोड़ा जान लेते हैं कि ये रिट कौन कौन सी हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षाप। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? देखो, जैसे कि मेरी आपसे दुश्मनी है, मेरी आपसे दुश्मनी है, और आपने मुझे करा लिया किडनैप, है ना, आपने मुझे किडनैप करा लिया, 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया, मेरे घर वालों को हो गया आपके ऊपर शक, तो मेरे घर वाले आपके प्रति, आपके ऊपर बंदी प्रत्यक्षीकरण की जनहित याचिका अनुच्छेद 32 या हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत इस रिट को दायर कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब बात करेंगे परमादेश की, कि इसको कैसे किया जा सकता है। इसको सरकारी अधिकारी या कर्मचारी गढ़ के ऊपर इस रिट को दायर किया जा सकता है। ठीक है, अब आती है आपकी प्रतिषेध। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इसको समझने की कोशिश करना। देखो, प्रतिषेध है लोयर जुडिशरी, है ना, लोयर जुडिशरी अगर कोई ऐसा काम करती है कि वो रिश्वत लेने वाली है,
अपर जुडिशरी ने उसको वही रोक दिया, मतलब लेने वाली है ले नहीं पाई, तो उसको हम कहते हैं प्रतिषेध। उत्प्रेषण है लोयर जुडिशरी ने रिश्वत ले ली है, तब जाके अपर जुडिशरी को पता लग गया है, तो उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, अधिकार प्रक्षा क्या होता है? अधिकार प्रक्षा वाली बात है, जैसे लेखपाल है वो काम नहीं कर रहा है और वो डेली कह देता है कि हाँ आजकल आजकल आजकल, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर ये रिट दायर कर सकते हैं कि भाई हम इससे काम की कह रहे हैं और ये हमारा काम करने के लिए सक्षम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बुलाएगा उसको कि तुम सरकारी आदमी होते हुए भी पब्लिक काम क्यों नहीं कर रहे। समझ गए, पांचों कंडीशन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अब हम कुछ पॉइंट्सों के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे सामान्य हित से संबंधित विषय, जन सामान्य से संबंधित विषय, ये आपकी हेडिंग है। अब किस तरीके से हनन हो रहा हो तो हम PIL दर्ज कर सकते हैं। तो आप देख लो, जब गरीब व्यक्तियों के मूल अधिकारों या मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो, ठीक है, मतलब कि उससे बोला जा रहा है कि नहीं तुम्हें तुम्हारे मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो आप उस व्यक्ति के विरुद्ध PIL दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई हनन कर रहा है तो। दूसरा देखो, किसी भी सरकारी योजना से संबंधित विषय वस्तु हो सकती है, जैसे आपको वो चीज मिलनी चाहिए लेकिन आपको नहीं दी जा रही है, ना समझ रहे हो ना, सरकारी रूप से आपको वो चीज मिलनी चाहिए लेकिन आपको नहीं दी जा रही, फिर भी आप PIL दर्ज करा सकते हैं, समझ रहे हो ना। ठीक है, अगला देखो, लोक प्राधिकारी सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा ना कर सके, मतलब कि अगर कोई काम है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, सार्वजनिक है, तब भी आप PIL दर्ज कर सकते हैं, जनहित याचिका दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा हो, मतलब कि आपको मंदिरों में या मस्जिदों में जाने से रोका जा रहा है, तब भी आप जनहित याचिका दर्ज कर सकते हो। आज की क्लास में बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा, क्योंकि कभी भी अगर आपके साथ या किसी और के साथ अन्याय होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, किससे संबंधित, जनहित याचिका से संबंधित। अब बात करते हैं किसी भी PIL को कब प्रस्तुत किया जा सकता है। देखो, सामान्य जनता के हित में, ये तो मैंने आपको बता दिया, पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत मामला नहीं होना चाहिए, सामान्य जनता के हित में अगर कोई मामला है तो आप PIL को दर्ज कर सकते हैं। अगला है, राज्य सरकार का तंत्र निष्क्रिय हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार को वो काम करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रही है, करना नहीं चाहती है, तब भी आप जनहित याचिका को दर्ज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ज्यादातर जो जनहित याचिका दर्ज हुई है ना, वो वायु प्रदूषण को लेकर हुई है। कैसे? जैसे कि आपको बता दूं, किसी फैक्ट्री से अगर वो प्रदूषण क्यों ना आ रहा हो, और वाहनों से क्यों ना प्रदूषण आ रहा हो, वायु प्रदूषण को लेकर ज्यादातर आपकी जनहित याचिका राज्य सरकार के विरुद्ध दायर की जा चुकी है। ठीक है साथियों, समझ गए ना साथियों। जैसे प्रमुख मार्ग, जैसे रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, बहुत ज्यादा लूटपाट होती है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, लूटपाट होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वहां के प्रशासन के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, वहां के प्रशासन के ऊपर आप PIL दायर करा सकते हो, रिट दायर कर सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद बताई दिए मैंने, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत
हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत। अब तो आपको पता लग गया ना कि ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये कैसा मामला है, ये आपका सामान्य मामला है, सामाजिक मामला है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, वनों की अंधाधुंध कटाई उत्तराखंड में बहुत ज्यादा होती है ना। जैसे कि निर्माणक इकाई क्या है, निर्माणक इकाई जैसे किसी ने अपनी दुकान बनाई है ना, उत्तराखंड में ही ले लो, किसी ने दुकान बनाई और आसपास के जितने भी घने जंगल में वन है सारे काट दिए, सारे काट दिए, और किसी ने देखा कि भाई वनों की तो कटाई हो रही है, तो जिस व्यक्ति का वहां दुकान बन रही है या घर वर कुछ भी बन रहा है तो वो उसके खिलाफ नहीं करेगा PIL दर्ज, वो करेगा प्रशासन के खिलाफ कि आपने या तो घूस ले रखी है, अगर आपने घूस नहीं ले रखी तो आप क्यों एक्शन नहीं उठा रहे, वनों की कटाई हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो ना, प्रशासन के द्वारा वो अपनी PIL को प्रशासन के विरुद्ध PIL या जनहित याचिका को दर्ज कर सकता है। अब बात करते हैं उद्योग, जैसे कोई कंपनी खोल रहा है, फैक्ट्री बना रहा है, अंधाधुंध वन काट रहा है, तब भी आप PIL दर्ज कर सकते हो। ठीक है, प्रशासन के विरुद्ध, उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जो काम कर रहा है, क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला नहीं है। हाँ, बाद में उसके खिलाफ जो भी हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल की कंडीशन में हम जनहित याचिका पढ़ रहे हैं तो हम इसी पर चलेंगे। अब बात करते हैं, पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि आप जेल में कैदियों के मौलिक अधिकारों को लागू करेंगे, है ना, उनके मौलिक अधिकारों को उनसे नहीं छीनेंगे। ठीक है, और देख लीजिए, जेल में कैदियों की स्थिति सुधारने का प्रयास होगा, विचाराधीन कैदी की न्यायालय में पेशी होगी, ये कैदियों के लिए हैं। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, कार्य स्थल पर जैसे कोई काम महिला करने जा रही है, किसी के यहाँ ड्यूटी करने जा रही है, वहां उसका यौन उत्पीड़न हो जाए तब भी हम जनहित याचिका दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, सड़कों पर बड़े बड़े विज्ञापन यातायात में बाधा पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर बड़े बड़े विज्ञापन लगे हैं, आपको प्रॉब्लम है, तो आप जनहित याचिका दर्ज कर सकते हैं। साथियों, आपका एक क्वेश्चन है जिसको मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ, वो क्वेश्चन आपका ये है। उससे पहले आप थोड़ा इसको देख लीजिए, PIL जनहित याचिका कौन प्रस्तुत कर सकता है। देखो, व्यक्तिगत हित ना हो, किसी का पर्सनल मामला ना हो, है ना, ये तो मैंने आपको बताया है, जनहित याचिका व्यक्तिगत वाद योग्य नहीं है। सामाजिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति है तो वो जनहित याचिका प्रस्तुत कर सकता है, बिल्कुल सही है, दायर कर सकता है। देखो, किसके विरुद्ध प्रस्तुत की जा सकती है जनहित याचिका, राज्य किसके विरुद्ध कर सकता है, राज्य सरकार के विरुद्ध, जब उसको लगता है कि राज्य सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है तो वो राज्य सरकार के विरुद्ध जाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये याचिका दर्ज कर सकता है, संघ सरकार के विरुद्ध कर सकता है, स्थानीय प्राधिकरण के विरुद्ध जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पंचायत होती है, जैसे गांव में प्रधान सही काम नहीं कर रहा है ना, तो वो प्रधान के ऊपर नहीं करेगा, वो उस काम के ऊपर करेगा, समझ रहे हो मेरी बात को, उस काम के ऊपर जनहित याचिका दर्ज करेगा। जैसे उसको सड़क बनवानी है, सड़क नहीं बन रही, तो सड़क नहीं बन रही वो उसके ऊपर करेगा, ठीक है, प्रशासन के ऊपर करेगा वो, मेरी बात समझ गए ना। ठीक है, प्रशासनिक संस्था हो, लोक प्राधिकारी अगर अपना काम ढंग से ना करें तो उनके प्रति भी जनहित याचिका दर्ज की जा सकती है। अब आप सभी के सामने ये क्वेश्चन है, जनहित याचिका कौन सा सही है, जनहित याचिका आपके लिए चार है, इनमें से आपका कौन सा सही है। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, भाई व्यक्तिगत मैटर नहीं हो गया तो ये गलत है ना। प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए घर मिले, ऐसा कुछ भी नहीं बताया मैंने, ठीक है, व्यक्तिगत मामला नहीं है ये, ठीक,
प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो, यह भी गलत है। जनता, यहां व्यक्तियों की बात नहीं हो रही, यहां पूरी जनता की बात हो रही है, ठीक है। जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, यह बात सही है, ये बात सही है, जनता के लिए ही जनहित याचिका है, ठीक है। देखो, जनहित याचिका प्रपोजल टू, एक बट्टा व्यक्तिगत हित, है ना, ये एकदम सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि जनहित याचिका व्यक्तिगत मैटर नहीं है, तभी तो मैंने इसको बट्टे में रखा है, ठीक है। अब जनहित याचिका मानव के प्रतिकूल है या अनुकूल है? अनुकूल है, है ना। अगर आपका मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो आप जनहित याचिका दर्ज करा सकते हैं। जनहित याचिका के तहत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी रिट को दायर करा सकते हैं। साथियों, आप सभी के सामने दो क्वेश्चन हैं, इनका आंसर तो आप आसानी से दे पाओगे। देखो, क्वेश्चन एक है, जनहित याचिका संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में दर्ज की जाती है? तो आप देख लो, हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत हम जनहित याचिका को दर्ज करते हैं। बात करें सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की, तो अनुच्छेद 32 के तहत हम जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं। समझ गए ना? क्वेश्चन दो है, जनहित याचिका किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है? ये तो आपको आता है, कितनी बार नहीं समझाया आपको। देखो, जनहित याचिका किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था द्वारा, लिख लो, जनहित याचिका किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है, ठीक है। दो क्वेश्चन आप सभी के सामने थे, आप सभी को आ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, आपकी जनहित याचिका पूरी फिनिश हो गई है, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि आपको जनहित याचिका बहुत अच्छे से आता है। साथियों, आपकी जनहित याचिका पूरी फिनिश हो चुकी है। आज थोड़ा सा कानून एवं व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ा देते हैं, है ना, कल की क्लास में कानून और व्यवस्था को पूरा अच्छे से फिनिश करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मानसिक अभिरुचि, इसका मतलब बताना आपको थोड़ा भूल गई थी, निर्णय लेने की क्षमता का जो मूल्यांकन किया जाता है वो मानसिक अभिरुचि में किया जाता है, ठीक है। देखो, शिक्षा का अधिकार हमने पढ़ा है पॉलिटी में, शिक्षा का अधिकार किसको है? निर्धनों के बच्चों को है, श्रमिकों को है, वेश्याओं के बच्चों को है, या सभी को है? तो भाई, ये सभी को है, है ना, शिक्षा का अधिकार सभी को है, ठीक है। ये कानून है और ये कानून सभी के लिए है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 21 के ए में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक अनुच्छेद जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 21 का ए है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क प्राथमिकता शिक्षा का अधिकार होगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य के ग्यारहवें प्रावधान में जोड़ा गया, ठीक है, शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है, ठीक। साथियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।